Mr. Manish Tamang is the president of National Federation of New State. Now, I call you, sir, to take the space to deliver the gathering. Thank you. Hamai. आप सबको देखकर आपका बहुत जो कलरफुल प्रेजेंस है उसको देखकर मुझे लग रहा है मैं दिल्ली में नहीं हूं, मैं त्रिपुरा में हूं ऐसा लग रहा है। आज हमारे बीच में त्रिपुरा मोथा के चेयरमैन और हम सब त्रिपुरासा लोग के बहुत ही अति प्रिय नेता महाराज प्रद्योत जी, हमारे पुराने मित्र और त्रिपुरा के मिनिस्टर मेवार जी, हमारे मंच में आसीन सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, एमएलए साहब, विभिन्न संगठनों से आए हुए लोग और आप सब लोग, आप सबको मेरे तरफ से मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। जैसे कि मेरे साथी ने पहले ही बताया कि मैं यहां पर इस समय दो संस्थाओं को रिप्रेजेंट करके आपको समर्थन करने के लिए आया हूं दोनों संस्थाओं की तरफ से। पहले तो मैं भारतीय गोरखा परिसंघ की तरफ से, और भारतीय गोरखा परिसंघ का उपस्थिति त्रिपुरा में भी है, हमारा स्टेट यूनिट त्रिपुरा में भी है। भारतीय गोरखा परिसंघ जो भारत के 20 राज्यों में बहुत एक्टिव प्रेजेंस है, उन सब के तरफ से एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय गोरखा परिसंघ मैं ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के जो डिमांड है इसको सपोर्ट मैं आप सबको मैं बताना चाहता हूं। और दूसरा हमारा नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स है, जिसमें आपकी तरह और मेरी तरह, जैसे आप त्रिपुरा लैंड का डिमांड कर रहे हैं, हम लोग गोरखालैंड का डिमांड कर रहे हैं, वैसे और साथी लोग भी है, कोई लोग बोडोलैंड का डिमांड कर रहे हैं, कोई बुंदेलखंड का डिमांड कर रहे हैं, कोई विदर्भ का कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट का जो एक फेडरेशन है जिसमें हमारे जमातिया मेवर जमातिया साहब भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं वहां पर, उन सब जितने भी हमारे मूवमेंट के साथी लोग हैं बुंदेलखंड की तरफ से, गोरखालैंड की तरफ से, बोडोलैंड की तरफ से, विदर्भ की तरफ से, उन सब के तरफ से भी मैं आपको समर्थन आज यहां पर मैं बताना चाहता हूं। अभी अक्टूबर में दार्जिलिंग में हमारा एनएफएनएस का नेशनल कन्वेंशन हुआ था, जिसमें आपके आईपीएफटी के साथी लोग भी आए थे। उस समय हमने महाराजा को भी इनवाइट किया था आने के लिए, मगर महाराजा का उस समय कुछ अपना प्रोग्राम था जो वो एडजस्ट नहीं कर पाए, मगर उन्होंने हमें गुड विशेस भेजा था। वहां पर हमने सबने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें भारत में त्रिपुरा लैंड जैसा, गोरखालैंड जैसा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं उन सभी को हम समर्थन करते हैं, और सभी को स्ट्रेंथन करने के लिए और ताकत देने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं ये करने का हमने एक संकल्प लिया था, एक प्रण हमने किया था। और मुझे खुशी है कि आज जब मैंने सुना कि यहां पर आपका धरना हो रहा है तो मैंने अपने एनएफएनएस के सभी साथियों को बोला कि आप अपना अपना समर्थन भेजिए जिसको मैं कन्वे कर सकूं, यहां पर आप सबको बता सकूं। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि एनएफएनएस के हमारे सारे साथियों ने अपना समर्थन आपके लिए कन्वे किया है, आप सबको समर्थन बताया है। इतना ही नहीं, मैं तो महाराज से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एनएफएनएस में आप भी जुड़ के आप पेट्रन बन जाइए हमारा, और आप भी एनएफएनएस के मूवमेंट को और सक्रिय कर दीजिए, आपको उपस्थिति से हम सबको बहुत और ऊर्जा मिलेगी। मैं चाहता हूं आज कि महाराज जी हमारे इस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करें और हमारे एनएफएनएस के पेट्रन के रूप में आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। ज्यादा नहीं, आज से 7-8 साल पहले दिल्ली में हमने एक सेमिनार किया था ऐसे ही न्यू स्टेट्स डिमांड का, तब पहली बार मेरा आईपीएफटी के साथियों से मुलाकात हुआ था, एनसी साहब भी आए थे उस समय, और उस समय दिल्ली में सब लोग गोरखालैंड को जानते थे, सब लोग बुंदेलखंड को जानते थे, बोडोलैंड को जानते थे, मगर बहुत लोगों ने मुझे पूछा ये त्रिपुरा लैंड क्या है पूछा। ये 7-8 साल पहले की बात है, उससे ज्यादा पहले नहीं है।
मगर तब से आज तक देखिए आप लोगों ने कितना जल्दी से अपना आपका आंदोलन ने जोर पकड़ा। आज आपका उपस्थिति यहाँ पर जंतर मंतर में देखिए, आज देखिए कितने सारे एमपी कल भी आए थे आज भी आए हैं आएंगे, और कितने लोग आकर आपको समर्थन बता रहे। कितना जल्दी आपने एक नेशनल स्टेज में अपना प्रेजेंस को आपने दर्ज कर दिया है, इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं पहले भी ऐसे आईपीएफटी के धरने में यहां पर शामिल हुआ हूं, आईपीएफटी ने पहले भी यहां पर धरना किया है, मगर इस बार खुशी की बात यह है कि आईपीएफटी अकेला नहीं, पर ये जो आपका थानसा है ये जो आया है ये बहुत काबिले तारीफ है, और मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपका थानसा का हमेशा जय हो, आपकी यूनिटी का हमेशा जय हो, आप यूनिटी हमेशा मिलकर आगे बढ़े, मैं ये चाहता हूं, और आपके ताकत में हम अपना भी ताकत मिलाना चाहते हैं, जैसे आपका ताकत को हम अपने ताकत में मिलाना चाहते हैं। महाराज को आप लोग तिपरासा का मत समझिए, हमारा भी उनके ऊपर क्लेम है, हमारे गोरखालैंड का भी उनके ऊपर क्लेम है। महाराजा कैनॉट डिनाई आर क्लेम, तो महाराजा महाराज जो है वो तिपरासा मूवमेंट के भी है, गोरखालैंड मूवमेंट के भी है, हमें ये बोलने में कोई एतराज नहीं, और मुझे पक्का है कि महाराज को भी सुनने में कोई एतराज नहीं है। अभी हम बैठ के बात भी कर रहे थे, महाराज हमें कुछ आइडियाज भी शेयर कर रहे थे कि गोरखालैंड के मूवमेंट को कैसे स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि उनका मन दोनों तरफ है, तिपरासा में भी है गोरखालैंड में भी है, हमारा मन भी दोनों तरफ है। एक बार मैंने अपने किसी साथियों को बोला था, बहुत प्यार उन्होंने बताया था, दिखाया था मुझे, तो मैंने बोला था कि भगवान करे अगले जन्म में मैं आपके जाति में मैं पैदा हो जाऊं, और जिसको समझ कम होता है वो समझ नहीं पाया, वो नाराज हो गया, कहते तुमको गोरखा होने में गर्व नहीं है क्या? मैंने बोला मुझसे ज्यादा गर्व और किसको हो सकता है, नेशनल स्टेज में मुझसे ज्यादा गोरखालैंड के बारे में और कौन से गोरखा ने बात किया है, मगर आपका प्यार इतना ज्यादा है तो इसलिए मैं चाहता हूं कि महाराज अगले जन्म में नहीं इसी जन्म में ही गोरखा भी हो तिपरासा भी हो दोनों ही हो, ये मैं चाहता हूं। तिपरासा को भी लीड करें, गोरखालैंड के मूवमेंट को भी लीड करें, आपका जो दिल्ली में जो जो पकड़ है उस पकड़ को तिपरासा तिपरालैंड के लिए, ग्रेटर तिपरालैंड के लिए जैसे आप प्रयोग कर रहे हैं वैसे ही गोरखालैंड के लिए भी और एनएफएनएस के लिए भी आप प्रयोग कीजिए, ऐसा हम आपसे चाहते हैं, आप सक्षम भी है इस बात के लिए। और इसी उन्हीं के नेतृत्व में जो मैं यहां पर ऊर्जा देख रहा हूं, जो मोमेंटम में जो देख रहा हूं आपका मूवमेंट का, मुझे लगता नहीं कि आपका लक्ष्य बहुत दूर है। आज सुबह मुझे देवर्मा मैडम भी बोल रही थी यहाँ पर, सॉरी जमातिया मैडम भी बोल रही थी मुझे कि अब तो लग रहा है कि आप हो ही गया आ ही गया, मुझे भी लग रहा है वो तो आ ही गया आपका, बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप सब लोग ने जो जिस प्रकार का संकल्प दिखाया है, जिस प्रकार इतनी दूर यात्रा करके यहाँ पर इतना आज के दिन में देखिए जंतर मंतर में सबसे बड़ा गैदरिंग यही है, और भी है गैदरिंग मगर सबसे बड़ा सबसे ज्यादा प्रेजेंस वाला गैदरिंग यही है, तो इस सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस प्रकार से अपने मूवमेंट को और स्ट्रेंथन करें, हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हुए एक दूसरे को ताकत देते हुए अपने मूवमेंट को और ज्यादा बल दे सके और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। हम सब जानते हैं कि ये जो तिपरासा का जो मूवमेंट है, तिपरालैंड ग्रेटर तिपरालैंड का जो मूवमेंट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, ये कोई संविधान के बाहर का डिमांड नहीं है, तिपरालैंड का डिमांड हो या गोरखालैंड का डिमांड हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के आधार में बनाया गया हमारा मांग है, और ये दीर्घकालीन मांग है, बहुत समय से चलता आया मांग है, ये केवल एक दो लोगों का मांग नहीं है, ये एक मास मूवमेंट है, और इस देश में जिसको हम डेमोक्रेसी के रूप में जानते हैं, भारत देश संसार का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि जनता के आकांक्षाओं को जनता के आवाज को पूरी करना, जनता के डिमांड को पूरी करना, जनता के आकांक्षाओं को पूरी करना, तो इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार पार्लियामेंट में संविधान के आधार में जो जनाकांक्षा है और जो दीर्घकालीन जनाकांक्षा है, लोगों की इच्छा है, इसको संवैधानिक प्रकार से पूरा करे, ये हम चाहते हैं।
बहुत सारे लोग सॉल्यूशन ऐसा लाना चाहते हैं जो टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। बहुत सारे लोग जैसे आपसे मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ऐसा कुछ कुछ छोटा मोटा कोई सॉल्यूशन देना चाहते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ये टेम्पररी और ये स्टॉप गैप सॉल्यूशन हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन चाहते हैं और हम एक परमानेंट सॉल्यूशन हम चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार में हो। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस लंबी जनाकांक्षा, जो एक दीर्घकालीन जनाकांक्षा है, इसको जल्दी से जल्दी संबोधित करें। भारत सरकार बताए कि उनका इस बारे में क्या विचार है नए राज्य बनाने के विषय में। इस समय भारत में बहुत सारे डिमांड चल रहे हैं नए राज्यों का, त्रिपुरा लैंड का है, गोरखालैंड का है, बोडोलैंड का है, बुंदेलखंड का है, और हम सब जानते हैं कि संविधान में लिखा हुआ है कि ये नए राज्य बनाने का काम पार्लियामेंट का है, मगर सरकार साफ साफ नहीं बोलती कि वो क्यों नहीं इस बात को संबोधित करना चाहता है। सरकार साफ साफ नहीं बताती है कि उसका नए राज्य के विषय में क्या सिद्धांत है, क्या पॉलिसी है। एनएफएनएस के तहत हम यही चाहते हैं कि सरकार एक नेशनल पॉलिसी लेकर आए स्टेट्यूट के बारे में, एक नेशनल विचार लेकर आए। ये अलग अलग से त्रिपुरा लैंड को, त्रिपुरा लैंड को अलग से डील करने का, गोरखालैंड को अलग से डील करने का, बुंदेलखंड को अलग से डील करने का, ऐसा नहीं हम चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमको अलग अलग करके कमजोर किया जाए। हम चाहते हैं कि भारत में जितने भी राज्य की डिमांड है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, उसको देखते हुए उसके 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 मद्देनजर भारत सरकार साफ साफ बताए कि स्टेट्यूट के बारे में भारत सरकार का पॉलिसी क्या है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बताता तो है कि नया राज्य सरकार बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकती है, मगर उसके बारे में क्लियरली स्पेल्ड आउट नहीं है कि कैसे बनाएगा, क्या इसका क्राइटेरिया है, इसके बारे में क्लियरली स्पेल आउट नहीं किया है। तो हम चाहते हैं, इसलिए हमने देखा कि यहाँ पार्लियामेंट के भी विभिन्न लोग यहाँ पर आए हुए थे, हम सभी पार्टियों के द्वारा ये एक नेशनल डिबेट चाहते हैं, नेशनल बहस चाहते हैं कि नया राज्य बनने का क्राइटेरिया सरकार क्या सोचती है। अगर क्राइटेरिया नहीं सोचती तो सरकार ऐसे ही डील करता है, आर्बिट्रेरीली डील करता है, मगर हम चाहते हैं कि सरकार एक नेशनल पॉलिसी बताए कि राज्य बनने के लिए ऐसे ऐसे बन सकता है। उदाहरण के रूप में गोरखालैंड के विषय में या त्रिपुरा लैंड के विषय में सरकार बहुत बार बोलती है कि ये तो बॉर्डर स्टेट है, इसके बारे में हम अलग से विचार करेंगे। क्या बॉर्डर में इस समय इंडिया में कोई स्टेट नहीं है क्या? क्या इंडिया के बॉर्डर में और कोई स्टेट्स नहीं है क्या? अगर और स्टेट्स हैं तो गोरखालैंड के विषय में आप क्यों बोलते हैं कि ये बॉर्डर स्टेट है? त्रिपुरा लैंड के बारे में आप क्यों बोलते हैं कि ये बॉर्डर में है? या तो आप बोलिए, सरकार बोल दे कि बॉर्डर में कोई स्टेट नहीं होगा, जितना भी ऑलरेडी स्टेट है उस सबको डिसॉल्व कर दे, यूटी बना दे, अपने 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 अधीन में रख ले। तो सरकार जो है क्लियर पॉलिसी अपना बताता नहीं है, जो कन्वीनियंट होता है वो बताता है। कभी बोलता है बॉर्डर स्टेट है तो नहीं बनना चाहिए, कभी कहता है तो बॉर्डर स्टेट है तो उसको वहीं पर रहना चाहिए। उसी प्रकार से साइज के विषय में भी कभी कहता है तुम्हारा साइज बहुत छोटा है, मगर हम जानते हैं कि जो हमारा डिमांड का स्टेट है उससे और छोटे छोटे साइज के स्टेट्स भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो सरकार एक क्लियर पॉलिसी स्पेल आउट करे, हम एनएफएनएस में यही चाहते हैं। हमारे आप जो साथी जो हैं जो एनएफएनएस में आपको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी इस रेजोल्यूशन के भागीदार हैं। हमने दार्जिलिंग में जो एनएफएनएस का दार्जिलिंग डिक्लेरेशन हमने किया था, तो आज हम यही चाहते हैं। हम यहाँ त्रिपुरा लैंड को तो हम समर्थन करते ही हैं, इंडिविजुअल मूवमेंट के रूप में त्रिपुरा लैंड को हम सपोर्ट करते हैं, इंडिविजुअल मूवमेंट के रूप में हम गोरखालैंड को सपोर्ट करते हैं, गोरखालैंड के हम अंग हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हम बुंदेलखंड को हम सपोर्ट करते हैं, मगर एक कलेक्टिव लेवल पे, एक सामूहिक लेवल पे हम एनएफएनएस की तरफ से, हम सब कलेक्टिवली सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार अपना पॉलिसी क्लियरली स्पेल आउट करे, ये हमको लटका कर बहुत ज्यादा समय तक ना रखे, इस प्रकार से हमको पेंडिंग स्टेट में लंबा ना रखे। सरकार को सीधा सीधा बताना है कि हमें कैसे राज्य देगा, और अगर नहीं देना है तो उसको बताना है कि क्यों नहीं दे सकता। एक क्लियरली स्पेल्ड आउट पॉलिसी, यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए सरकार का। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं आप सबको अपना व्यक्तिगत, अपने संगठन की तरफ से समर्थन जताते हुए
और आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए और आने वाले दिनों में आप सबके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का और साथ काम करने का और हम सबका जो साझा लक्ष्य है नया राज्य बनाने का, इस लक्ष्य को प्राप्त करने का यहाँ अपना संकल्प रखते हुए मैं अपने बातें मैं यहीं पूरा करता हूँ। आपने मौका दिया आपके साथ मिलकर बैठकर बात करने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। गलाई गलाई का हम भाई श्री गोखले ने सपाई श्री मनीष तमांग जी न जो बहुत बड़ो।